मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। जब हमें इनफर्टिलिटी होती है, हम कंसीव नहीं कर पाते, तो डॉक्टर हमें और हमारे हस्बैंड को, दोनों को इन्वेस्टिगेशंस के लिए कहते हैं। हस्बैंड का इन्वेस्टिगेशन एकदम ईजी रहता है और वो एक ही रहता है। जो पहला किया जाता है वो होता है सीमेन एनालिसिस, यानी कि वीर्य की जाँच। तो जब हस्बैंड सीमेन देने हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उनको कुछ टिप्स बताते हैं। सबसे पहला, जब वो सैंपल देने के लिए हॉस्पिटल आने वाले हैं तब उनको एक 3 से 4 दिन का फासला, इंटरकोर्स में जब फासला होता है, अब वो फासला 3 से 4 दिन का होना चाहिए। समझो इंटरकोर्स कल हो गया तो, और आज आपने सीमेन की जांच दे दी, तो शायद स्पर्म काउंट यानी कि स्पर्म्स की संख्या कम रहेगी। जब इंटरकोर्स बहुत ही पहले हुआ रहेगा, यानी कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, इंटरकोर्स और मैस्टर्बेशन इन दोनों में से एक बहुत पहले हुआ होगा, तो मरे हुए शुक्राणु ज्यादा हो गए। इसीलिए जब आप सीमेन एनालिसिस के लिए लैब में जाने वाले हो तब आपको ये देखना है कि आपके इंटरकोर्स में और आपका सीमेन देने का जो समय है उसमें 3 से 4 दिन का फासला होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें लगता है कि घर में हम कंफर्टेबल हो सकते हैं तो घर से हम कलेक्ट करें और देने के लिए जाएंगे, लेकिन हो सके तो आपको हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जहाँ सीमेन कलेक्शन रूम हो उस क्लिनिक में जाके उस सीमेन कलेक्शन रूम में आपको सीमेन देनी है, क्योंकि सीमेन देने से पहले आपको आपके हाथ सैनिटाइज करने हैं। जो डॉक्टर ने या क्लिनिक में दिया हुआ जो कंटेनर होता है वो स्टराइल कंटेनर होता है, उनमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं रहता, इसीलिए साफ सुथरा क्लीन स्टराइल कंटेनर में ही आपको सीमेन सैंपल आपकी देनी है। सीमेन देने से पहले आपको एंड्रोलॉजिस्ट बता देंगे कि आपको आपके पेनिस को भी अच्छे से क्लीन करना है, साफ करना है और उसके बाद ही देना है, अदरवाइज वहाँ का इन्फेक्शन भी हमारे रिपोर्ट में दिखाई दे सकता है। जब आप हॉस्पिटल में सीमेन सैंपल नहीं दे सकते या क्लिनिक में सीमेन सैंपल नहीं दे सकते तो आप क्लिनिक की परमिशन लेके घर से भी ला सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि इजैकुलेशन के बाद आपका सीमेन सैंपल आधे घंटे में क्लिनिक में पहुंचना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे या पौने घंटे के बाद हम तुरंत वो सीमेन की जांच करते हैं तो रिपोर्ट सही तरीके से हमें समझ में आता है। जब आप घर कलेक्शन के लिए जाते हो तो आपको ये देखना है कि हॉस्पिटल से लाया गया साफ सुथरा स्टराइल कंटेनर ही लेके आपको आना है और उसमें ही इजैकुलेशन आपको देना है। आप क्लीन किया हुआ प्लास्टिक की बॉटल में या ग्लास जार में जो घर घर के रहते हैं उसमें आपको ये नहीं देना है। कभी ये इजैकुलेट को आपको IUI के लिए इस्तेमाल करना है तो अब ये हो सकता है कि ये अपना सैंपल इन्फेक्ट हो जाए। जब सीमेन निकालने की प्रक्रिया होती है ये आपको मैस्टर्बेशन से करनी है, आपको वो इंटरकोर्स से नहीं करनी है। जब उस क्लिनिक में या हॉस्पिटल में अब IUI या IVF कराने की सोच रहे हो तो आपका एक सैंपल वहाँ फ्रोजन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी IUI के वक्त आप सैंपल दे नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से IUI के दिन आप वो नहीं दे सकते, तो फ्रोजन किया हुआ सैंपल हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं। IVF के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि IVF के दौरान आपकी पत्नी को ओवम पिकअप के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है और तब वो आपके साथ IUI देने के लिए सीमेन कलेक्शन रूम में नहीं आ सकते, आपको अकेले को देना है, और IVF की प्रोसीजर का स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, उस वजह से कभी कभी वो देना कभी दिक्कत हो जाती है और वो हो नहीं सकता इजीली, इसीलिए एक सैंपल उसी लैब में आपको फ्रोजन रखना चाहिए।
जब आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो आप आपके डॉक्टर के साथ, क्लिनिशियन के साथ जरूर ये बात डिस्कस करिए, और इरेक्शन के लिए डॉक्टर कुछ दवाई दे सकती है क्या, इस बारे में आप डॉक्टर से बात करिए। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया, जब हमें सीमेन सैंपल जांच के लिए देनी है तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे ये IVF गायनेक इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।